बैक टू अनदर दोस्तों, मैंने जहाँ आपसे भी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। दो दिन पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, एक्चुअली में मैं वो वीडियो भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, एक दिन ही हुआ, फोर मीम कॉइन रेडी टू लिस्ट ऑन बनांस। ये कल के डेट में दोस्तों ये कॉइन ये वीडियो पब्लिश हुआ था मॉर्निंग के टाइम में कि चार कॉइन रेडी है बनांस पे लिस्ट होने के लिए और इसमें बहुत तगड़ा पोटेंशियल है। मैंने सभी के बारे में बताया। ये मीम कॉइन दोस्तों चार में से अगर हम बोले, एक बेबी डॉज कॉइन था और तीन जो है वो सोलाना बेस्ड मीम टोकन था जिसका हाइप रिसेंट के अंदर काफ़ी अच्छा खासा हुआ है। कल ये वीडियो पब्लिश हुआ है और कल से आज तक इसमें इसका एक कॉइन जो है पॉप कैट नाम करके था, 15 पे मैंने आपको शेयर किया था, सजेस्ट किया था और 30 पे अभी ट्रेड कर रहा है। यानी स्टेड अवे एक दिन के अंदर विद इन 24 आवर 2x से भी ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है। अब इससे बेहतर क्या चाहिए दोस्तों? मैंने आप सबके अंदर मोटिवेशन भर भी रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि भाई निराश नहीं होना है। हमने 15,000 पे बिटकॉइन को बाई किया, हमने उसके नीचे लेवल पे जाते हुए देखा, हमने स्ट्रगल करते हुए देखा, क्रिप्टो इंडस्ट्री को ख़त्म होते हुए देखा और आज देखो किस मकाम पे है। हमने वो चीज़ें देखा, आपसे शेयर कर रहे हैं, पिछले 6-7 सालों से आपसे लगातार शेयर कर रहे हैं, 2018 से आपसे शेयर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा तीसरा बुल रन है जो मैं फेस कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से तो ये चीज़ें कह सकता हूँ, बिटकॉइन ऑलवेज रहेगा यहाँ, कोई कुछ नहीं इसका उखाड़ सकता है। बस ट्रस्ट करना, अल्टकॉइन के अंदर प्रॉफिट बुक करते चलना, बिटकॉइन रहेगा लेकिन अल्टकॉइन वो भाई अभी एक्सपेरिमेंटल चल रहा है, भाई अभी कुछ भी हो सकता है। हर एक सीज़न एक नया नैरेटिव ट्रेंड करता है, एक नया कॉइन आता है, एक नया उभरता हुआ सितारा आता है, सो दैट हमें उसका फ़ायदा उठाना। वीडियो आज का इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपके जो क्वेश्चंस थे, जहाँ दोस्तों जो यहाँ पर आपने कल से आज तक, कल एक्चुअली में आफ्टरनून की वीडियो आई नहीं थी तो आपने दो दिन से जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको लूँगा, उसका जवाब दूंगा। इसके साथ साथ मार्केट के अंदर क्या नैरेटिव बन रहा है, क्योंकि एक भाई क्वेश्चन भी पूछा है कि भाई मार्केट कहाँ जाएगा। ध्यान दोस्तों देख सकते हो भाई, बिटकॉइन क्या अब ऊपर जाएगा 52 to 58K के बीच में आएगा या फिर अब यहीं पर रहेगा या इससे क्या होगा, क्या होगा, क्या हो सकता है, है ना, या ऊपर ही जाएगा, तो इसके आंसर भी दूंगा। कुछ और क्वेश्चन है उसका भी आंसर दूंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, बेबी डॉज कॉइन के बारे में बात करेंगे। पहली बार चैनल पे आएँ, सब्सक्राइब तो बनती है, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए, जल्द तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आए, हमारे फैमिली का पार्ट बने, हमारे प्रॉफिट बनाने का जो ये सिलसिला चल रहा और ये जो चीज़ें चल रहा है उसका हिस्सा बने। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं और थोड़ा सा आपको बताते हैं क्वेश्चन का आंसर, कुछ आपका देते हैं। एम जी भाई ने क्वेश्चन पूछा, ग्लोबल एक्सचेंज बंद हो चुका है इंडिया में? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्लोबल एक्सचेंज चल रहा है, बायबिट भी प्ले ऐप स्टोर पे आ चुका है, FIU से रजिस्टर होना था, ऐसा ऐसा जो भी फॉरेन एक्सचेंजेस है जिसका वॉल्यूम इंडिया में अच्छा खासा है, चाहे वो कुकवैन है, बनांस है, बायबिट है, ये सब आएगा और आ भी रहे हैं, तो हमें टेंशन नहीं लेना है। हाँ, टैक्स था वो तो पहले भी फिल करना था, आज भी फिल करना है, देखते हैं गवर्नमेंट क्या करता है। मे बी अगर गवर्नमेंट चेंज होता है शायद तो कहीं इसके अंदर कुछ गुंजाइश हो सके, मे बी, आप देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अल्ताफ भाई जी ने पूछा है चक UFO क्वाइन, MGB ने पूछा, ये समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, UFO क्वाइन काम करता है कि नहीं, सिर्फ कुछ ही काम करता है कि नहीं, ये क्या क्वेश्चन पूछा, आई डोंट थिंक, बट इंडियन एक्सचेंज मैं तो कम यूज़ करता हूँ। हाँ, इंडिया में एक ही एक्सचेंज मैं यूज़ करता हूँ, CoinDCX, कुछ फंड मेरा वजीरेक्स पे ही पड़ा हुआ है लेकिन मैं उसको यूज़ ही नहीं करता, ना ट्रेडिंग करता हूँ। पहले कहा है, बहुत टाइम पहले जब ये स्टार्टिंग में आया था तभी का फंड मेरा कुछ पड़ा हुआ, लास्ट सीज़न का कह सकते हो, और मैं उसको देखता भी ढंग से नहीं हूँ, ठीक है। तो आप UFO गेमिंग, ब्लॉकटोपिया वगैरह के अंदर अगर बनाना चाहते हो एंट्री तो थोड़ा थोड़ा करके एंट्री बना सकते हो। जहाँ तो ये चीज़ देखो, आप बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं तो ये चीज़ तो स्टिल में अभी भी बिटकॉइन को लेकर थोड़ा कंसर्निंग हूँ कि इसको 52-55 हज़ार के बीच में आना चाहिए, 60 हज़ार से नीचे आना चाहिए, बट अभी भी ये जो है $66,000 के अराउंड चल रहा है। बट ऐसा देखो यार, लास्ट सिर्फ एक हालविंग था, जो हालविंग के बाद बिटकॉइन नीचे नहीं आया, उससे पहले जो 2018 के अंदर चीज़ें हुई, 2017-18 के अंदर हालविंग के बाद, मतलब एक डेढ़ महीना तक करेक्शन मोड में था, उसके बाद भी उससे भी नीचे गया था एक बार, उसके बाद फिर वहाँ से जंप लिया था। तो ये चीज़ें हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये चीज़ें भूलना नहीं चाहिए, हालांकि बहुत चीज़ें चेंज हुआ है इस बार, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फंड अपने पास रखिए, अगर मे बी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम उसको ग्रैब करेंगे, नहीं अगर यहीं से चल देगा तब भी हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी भर भर के बाय किए हैं, पूरा बियर मार्केट एकोमोडेट किए हैं, तो फ़ायदा तो हमारा दोनों तरफ से हो रहा है ना।
भाई ये बता दो भाई, डेक्स यूज़ करना सिखा दो। ओके, इसके लिए भी मैं डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा कि किस तरह से आप डेक्स यानी कि मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट ज़्यादा इजी टू यूज़ है, आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट इज़ बोरिंग, बिल्कुल बोरिंग है। जून जुलाई तक अभी ऐसे चलने वाला है, 2-3 महीना तो चलने वाला है, उसके बाद मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा जो है रिकवर करेगा। इस बीच में भी थोड़ा थोड़ा सीज़न, मिनी सीज़न आता रहेगा, अप एंड डाउन ऊपर नीचे होता रहेगा, है ना, तो बस फ़ायदा उठाते रहना इसका। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच गाइस, आप सबका सपोर्ट की वजह से मैं आज जो भी कर रहा हूँ, जितने भी कर रहा हूँ, आप सबकी वजह से कर रहा हूँ। क्रिप्टो इनकम भाई, मुझे कोई बेस्ट एक्सचेंज बता दो जिस पे ट्रेडिंग कर सकूँ, टैक्स TDS दोनों पे करूँगा, इसलिए मुझे बता दो कौन सा। भाई देखो, अभी के टाइम में मैं बनान से भी अच्छा जो है बायबिट को मानता हूँ, ईजी टू यूज़ है और काफ़ी चीज़ें इस पर हो रही है, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सो दैट देखिए बायबिट को यूज़ करके देखिए आपको कैसा लगता है, फिर आप बताइएगा। बायबिट मुझे अच्छा लगता है, लिंक जो है साइनअप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इधर उधर के लिंक से मत जाना, फेक लिंक से चले जाइएगा साइनअप लिंक से और वहाँ से साइनअप कीजिएगा। हाँ, एक्सपेकुलर है कि नीचे आ सकता है, बाकी थोड़ा सा फंड अपने पास रखिएगा, बाकी आप मार्केट के अंदर तो अक्सर कॉइन से इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाइक दैट जैसे मैंने आपको बताया है, नहीं भाई काफ़ी अच्छा कमबैक किया है, देख सकते हो हमारे जो भी कॉइन है काफ़ी अच्छा खासा रिकवर किया है, लेकिन कुछ कॉइन्स है जो अभी भी मौका दे रहा है कि आप बाय करो इसको, बाकी आपकी मर्जी है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे कॉइन्स है, 18 की सीरीज पर हमारा बीबी डॉज कॉइन भी आ चुका है, काफ़ी अच्छा रिच कॉक, थोड़ा सा भी 3 गुना प्रॉफिट में तो है हम, लेकिन फिर भी UFO गेमिंग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, 1000 के अराउंड है, तो इन सब के अंदर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा एंट्री ले सकते हो। बिग टाइम में भी कोई उस तरह का बुलिश नहीं देखने को मिला, तो इसके अंदर भी आप चाहो तो एंट्री ले सकते हो। माइरिया 700 के अराउंड है, हमारी एंट्री 600 के अराउंड भी है, 700 के अराउंड भी, 800 के अराउंड भी है, तो आप चाहो तो इसके अंदर भी एकोमोडेट कर सकते हो। माइरिया वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन हो सकता है इस सीज़न का, सो दैट इसको भी थोड़ा सा एकोमोडेट कर सकते हो, बाकी सब तो उड़ चुका है। प्लानेट काफ़ी अच्छा नीचे है, तो प्लानेट के अंदर एंट्री नहीं लिया था, तो ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, प्लानेट के अंदर भी आप अच्छा खासा एंट्री बना सकते हो और अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट यहाँ से होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। जहाँ से यहीं पे अगर बायबिट के अंदर भी देखें तो बाकी काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है हमारा रिकवर किया है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दे रहा है भाई। 26-25 के सीरीज़ में चल रहा था, 30 के अराउंड आ चुका है, सो दैट देखो यार, मेंटा भी $2 आ चुका है, मैंने बार बार आपको $1.8 पे, $1.9 पे बहुत टाइम आपको सजेस्ट किया भाई, इसको इग्नोर मत करो यार, ये सब कॉइन जेम है, ये तो कम से कम आपको 10x तो देगा ही देगा, उससे ऊपर आप 30x तक इसके अंदर से एक्सपेक्ट कर सकते हो, सकता है उससे ज़्यादा भी जाए, लेकिन 10x तो डेफिनेटली देगा, तो इतना तो आप टारगेट लेके चल सकते हो भी सेफ कॉइन के अंदर। पाइथ भी काफ़ी अच्छा 50 की सीरीज में चल रहा था, 68 की सीरीज में आ चुका है, सो दैट डीमेल भी काफ़ी अच्छा रिकवर किया, हर एक कॉइन ने काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाई है, लेकिन कुछ कॉइन है जैसे प्लानेट है, मारिया है, इन सब के अंदर आप आई थिंक एंट्री ले सकते हो। GPT भी अभी नीचे चल रहा है, NGL भी हमारे बाइंग से भी नीचे आ रखा है, मीम के अंदर अच्छी खासी डंप है, GTAI के अंदर अच्छा खासा डंप है, ऑनडो तो इग्नोर कीजिएगा अभी बहुत ऊपर है, तो ये सब कॉइन के अंदर दोस्तों आप थोड़ा बहुत एंट्री बना सकते हैं। राका भी काफ़ी अच्छा खासा नीचे है, है ना, ग्रैब भी नीचे है, फायर थोड़ा सा रिस्की कॉल है, लेकिन आप देख सकते हैं आर्टिफैक्ट मेटावर्स भाई, मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 30-40-50-100 तक जा सकता है, 100x के अंदर क्षमता है, गेमिंग का बहुत ही तगड़ा कॉइन है, तो इसको भी आप थोड़ा सा एकोमोडेट कर सकते हो, तो बहुत सारी कॉल्स ऑलरेडी मैंने दे दिया है, तो इस सबको देख सकते हो, बाइंग कर सकते हो यहाँ पर। अगर बेबी डॉज कॉइन देखें तो भाई 420 इसका क्या मतलब है, 420 पॉइंट रियल वो तो भाई इसका सप्लाई है, लेकिन बर्निंग हो रहा है, ये आग लग रहा है ना, बर्निंग हो रहा है, बर्निंग होकर काफ़ी कम सप्लाई होगा, बुलिश हूँ, 2-3 0 तो इजिली ये किल करेगा, देखते हैं कितना 0 किल करता है, बस होल्डिंग बना के रखिए आप। पेशेंस सबसे बढ़िया चीज़ है दोस्तों, पेशेंस यहाँ पर टेस्ट होगा, डंप होगा, पंप होगा, डंप होगा, पंप होगा, लेकिन यहाँ पर पेशेंस जो दिखा के रखेगा इस टाइम में ना, और इस टाइम में जो बाय करेगा ना वो होगा असली खिलाड़ी, और उसको मिलेगा असली तगड़ा प्रॉफिट। सो दैट इग्नोर मत कीजिएगा मेरी बातों को, सीरियसली लीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए, मैं हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए, इसलिए कुछ नहीं करना है, वीडियो को जितना हो सके लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना दोस्तों से, और भाई आप अपना बस सपोर्ट बना के रखिएगा। जहाँ दोस्तों टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब इतना चीज़ तो मिल रहा है आपको और क्या चाहिए, ठीक है, बाकी मतलब नेक्स्ट वीडियो में आज कितना है, गुड बाय।